जाएगा, लूट हुई है 80-90 लाख रुपए का माल आ रहा था रास्ते में, लूट हो गया पूजा प्रिया पायल के पास। पूरे बिहार के साथ साथ इन दिनों भागलपुर में भी अपराधियों का तांडव जारी है। आज दिन दहाड़े सुबह 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने लगभग 90 लाख रुपए मूल्य के जेवरात की लूट की है। आज सुबह सुबह भागलपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच लगभग 90 लाख रुपए मूल्य का सोना लूट लिया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सूजागंज बाजार में पंजाब नेशनल बैंक के समीप खलीफाबाग चौक और वैरायटी चौक के बीच में घटी, जहां 1 किलो 800 ग्राम सोने की लूट 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों के द्वारा कर ली गई। लूटे गए सोने की कीमत लगभग 90 लाख रुपए बताई जा रही है। विशाल स्वर्णिका ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर विशाल आनंद ने बताया कि उनका कर्मचारी सोना लेकर कलकत्ता से आ रहा था। इसी क्रम में उस पर नजर रखकर बाइक पर सवार 4 अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। ज्वेलर्स के कर्मचारी जैसे ही सूजागंज बाजार पंजाब नेशनल बैंक के समीप पहुंचे, बैंक में रखे सोने को लेकर अपराधी फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही भागलपुर की सीनियर एसपी नितासा गुड़िया, सिटी एएसपी पूरन झा, कई थाने की पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस पदाधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार करते हुए छानबीन किए जाने की बात कही है। डिटेल्स तो आपको एफआईआर में मिल जाएगा। लूट हुई है 80-90 लाख रुपए का। सोशलाइजेशन परेशान नहीं ना करेंगे भाई। कितने क्या लूट हुई है? जेवर कितने की लूट हुई, कीमत उसकी क्या है? अभी तो पूरा मूल्यांकन नहीं आया, लेकिन 80-90 लाख रुपए करीब आएगा। तो क्या घटनाक्रम, क्या घटनाक्रम बताइए। माल आ रहा था रास्ते में, लूट हो गया। कहाँ पर? पूजा प्रिया पायल के पास। कौन लेकर आ रहे थे? कहाँ से? हमारा स्टाफ लेके आ रहा था। कितने संख्या में अपराधी बताया जा रहा है? 4। कहाँ शोरूम है आपका? इनारा के सामने। क्या नाम है शोरूम का? विशाल स्वर्णिका ज्वेलर्स। बताया जा रहा है कि जो विशाल स्वर्णिका ज्वेलर्स के कर्मचारी हैं, वह सोना कोलकाता से लेकर भागलपुर पहुंच रहे थे। इसी दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के वैरायटी के समीप लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। हालांकि सूचना मिलते ही भागलपुर के सीनियर एसपी नितासा गुड़िया, सिटी एएसपी पूरन झा, कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे हैं और लगातार जो है अपराधियों की धरपकड़ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, जिस तरह से लगातार अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, अब भागलपुर पुलिस जिला के जो अधिकारी हैं, सीनियर पुलिस पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा किस तरह से अपराधियों पर लगाम लगाया जा सकता है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, भागलपुर।